हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजुम क्रिएटिंग। ये देखिए, आज आपके लिए मैं ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन बनने के बाद देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसको आप बेबी स्वेटर, बेबी जैकेट, बेबी सॉक्स, बेबी कैप में डालेंगी तो बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे आप किसी में भी डालेंगी, लेडीज़ जैकेट, जेंट्स, किसी में डालेंगे, बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। ये टू टू मल्टीपल के फंदों में बना है। मैंने यहाँ नीचे बॉर्डर डाला हुआ है, उसके ऊपर से डिज़ाइन डाली है। चलिए मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ। मैंने इसमें 20 फंदे डाल लिए हैं और दो सिलाई उल्टा सीधा मैंने इसको बुन लिया है। इसमें मैंने दूसरा कलर अब ऐड करना है। स्टिच वाला सीधा बुन लेंगे। उसके बाद ये दो फंदे सीधा बुनेंगे। अब यहाँ इसको ये वाला छोड़ देंगे और ये वाला यहाँ नीचे से दो छोड़ के तीसरे से हम निकालेंगे। इसको ऐसे निकाल के इसको छोड़ देना है। फिर तीसरा फंदा दो फिर सीधा बुनना है। फिर वैसे ही हमें करना है। फिर दो फंदे सीधा बुनना है। दो फंदा अब हम सीधा बुनेंगे। नीचे से निकालेंगे, फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे। फिर जो लास्ट में बचेगा एक फंदा या दो फंदा, उसको भी सीधा बुन लेना है। उसके बाद बैक साइड से जो उल्टा है उसे हम उल्टा बुनेंगे। और ये जो हमें यहाँ से नीचे से निकाला था फंदा, इसको हम इसे स्लिप कर लेंगे। बैक साइड से इसे बुनना नहीं है, इसको ऐसे स्लिप कर लेंगे। दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इसको स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही पूरी डिज़ाइन रिपीट करते जाएंगे। आगे की साइड से जैसे मैंने पहले भी ना बुना था, स्टिच वाला एक स्लिप कर लेंगे। इसके आगे दो फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक सीधा बुनेंगे, इससे पहले इन दोनों फंदों को
ये वाला और ये वाला, ये दोनों लेके सीधा ऐसे यहाँ से उतार लेना है। फिर ये वाला जो पहला फंदा था इसको हम पहले बुनेंगे यहाँ से, और ये दोनों बुन लेंगे। और ये हमने स्लिप किया था, इसको हमने वैसे ही स्लिप कर लिया था आगे से भी। फिर मैंने इसको यहाँ से इसे उतार देना है। फिर इसको दोनों स्लिप कर लेना है। फिर यहाँ वाला पहले वाला पहले बुन लेना है, फिर दूसरा वाला भी बुन लेना है जो मैंने पहले स्लिप किया था, इसको ऐसे उतार लेना है। इसको भी ऐसे उतारेंगे, ये वाला फंदा बुनेंगे, दो फंदा बुन के फिर इसको यहाँ से स्लिप करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम यहाँ दोनों फंदे इसमें कर लेंगे सीधी की साइड से। फिर इसको पहले ये वाला फंदा बुनेंगे, फिर यहाँ वाला दूसरा वाला बुनेंगे, फिर मैंने जो स्लिप किया हुआ था इसको यहाँ से उठा के ऐसे दोनों में उतार देंगे। फिर वैसे करना है, वही हम डिज़ाइन वैसे रिपीट करते जाएंगे। अब हम यहाँ बैक साइड से पूरा उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। यहाँ पे हमें पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है बैक साइड से। पूरी सिलाई मैंने बुन लिया, हमारे यहाँ पे एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। चार सिलाई में एक डिज़ाइन बन जाता है। अब मैं दूसरा ये वाइट कलर वाला लगा के बताती हूँ आपको। यहाँ हमने जो ये डिज़ाइन बनी हुई थी, अब इसके बीच से हमें ऐसे ही जैसे मैंने नीचे वाला निकाला था ऐसे ये वाला और ये वाला दोनों छोड़ के तीसरे में दूसरे में ऐसे निकाल लेना है। फिर उसके आगे वाला दो फंदा सीधा बुनना है। फिर ये और ये दोनों छोड़ के दूसरे में इसमें ऐसे निकाल लेना है सीधा। फिर दो फंदे सीधे, फिर वैसे ही हम रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में दो फंदे बच गए हैं, इसको हम सीधा बुन देंगे। अब बैक साइड से जैसे मैंने पहले बुना था वैसे ही बुनेंगे। यहाँ पे जो उल्टा उधर से सीधा बुने हैं, इधर से उल्टा बुना जाएगा, उसको हम उल्टा बुन लेंगे। और जो मैंने यहाँ नीचे से फंदा निकाला था इसको हम स्लिप कर लेंगे। फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे।
फिर स्लिप करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे, यहाँ पे फिर स्लिप करेंगे, अब सीधी इस साइड से जैसे मैंने उसमें बुना है वैसे ही इसमें भी डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से ये वाला फंदा और ये जो मैंने यहाँ बीच से निकाला था, ये दोनों आगे वाला और ये दोनों लेके सीधा इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर ये पहला फंदा जो है आगे था उसको पहले बुनेंगे, उसके बाद दूसरा वाला बुनेंगे और जो ये वाला मैंने स्लिप किया था इसको यहाँ से ऐसे उतार देंगे बीच से। फिर ये वाला भी वैसे ही रिपीट करेंगे, ऐसे एक ही फंदा बुनेंगे, दो फंदा, फिर इसमें ये वाला ऐसे ही उतार देंगे। ऐसे ही पूरी सिलाई रिपीट करते जाएंगे, वही डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनके दो डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम जब ऊपर मैरून वाला फिर बुनेंगे तो फिर वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। यहाँ बीच से ये फंदा निकालेंगे, तीन फंदा बुन लेंगे, फिर यहाँ बीच से हम फंदा निकालेंगे, फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ बीच से निकालेंगे, फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे। ऐसे ही हमारी डिज़ाइन रिपीट होती जाएगी बार बार।